सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके 36वें दिन सुबह पहले रामायण जी के पाठ का उच्चारण और सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 4 बजे भजन संकीर्तन मंडली ने मनमोहक भजनों का गुणगान एवं श्री हरि नाम संकीर्तन कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी और स्वामी अजय आनंद महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। को क्यों नहीं उस ज्योतिषी को दिखाया जाए? मैया ने कहा कि ये बताओ पहले वो ज्योतिषी बूढ़ा है कि जवान है? ये रनिवास है अंतःपुर में, राजाओं के यहाँ सभी नहीं जा सकते, उसमें भी ब्राह्मण जाएंगे, ब्राह्मण में भी बूढ़ा ब्राह्मण ही जाएगा, इसलिए बताओ वो कैसा है जो हस्तरेखा देखकर बताता है। कौशल्या अंबर से दासी ने कहा कि नहीं बूढ़ा है। कहा नाम क्या है? कहा शंकर पाणे उसका नाम है। कहा तब तो ठीक है, ब्राह्मण भी है और वो है तो उसको भीतर बुलाया जाए, लेकिन ये बताओ कि वो अंदर आएगा कहाँ? हाँ, दासी गई जा करके देखा कि भीड़ लगी है, लोग अपनी अपनी रेखा दिखा रहे हैं। कहा बाबा तुम हस्तरेखा देखते हो? कहा हाँ। कहा महल में राजमाता ने बुलाया है, चलिए बालकों की हस्तरेखा देखनी है। शंकर जी तो चाहते ही फिर जो रोगी को भावे वही वैद्य फरमावे, कि किसी तरह से महल में अपने प्रभु का अवतार हुआ है दर्शन कर लें। आकाश मार्ग से हम आते हुए एक अवतार में दूर से ही देखे, लेकिन उस समय जानी न की न चिन्हारी, उस समय था इसलिए उनसे परिचय नहीं किए। परिणाम हुआ सती की बुद्धि खराब हो गई, उनको संशय हुआ, लेकिन आज तो भगवान अवतार लिए हैं तो उनकी बाल लीलाओं का बाल रूप का दर्शन करें। दासी के साथ भगवान शंकर चल दिए, पहली दूसरी तीसरी डेवढ़ी पार कर गए। अब दासी साथ में राजमहल में ले जा रही है। चौथी डेवढ़ी पर सबसे ज्यादा चेकिंग हुई, पूछा बाबा कौन? कहा कि हम ज्योतिषी हैं। दासी ने कहा माँ राजमाता ने बुलाया है कौशल्या अम्मा ने, ये बच्चों की हस्तरेखा बालकों की देखेंगे। कहा जाइए। पीछे से कहा कुशुंडी जी आए। कहा तुम क्या करते हो? कहा इनके चेला हैं। कहा हस्तरेखा देखते हो? कहा हमको देखने नहीं आता। कहा तब तुम नहीं जाओ, बाहर खड़े रहो। अब कहा घुसुंड जी बेचारे बाहर खड़े मुंह लटकाए रह गए, क्या करें, प्रवेश ही नहीं मिला। भगवान शंकर अंदर गए, माताओं ने देखा, ज्योतिषी को हाथ जोड़ा और कहा बाबा आप हस्तरेखा देखते हो? कहा हाँ। कहा हमारे लालाओं की हस्तरेखा देखनी है। शंकर जी ने कहा कि ठीक है हम देख लेंगे। माताओं ने कहा तो चलिए। कहा जाए कैसे, हमारा पोथी पत्रा लिए हुए चेला बाहर पड़ा, उसको आने ही नहीं दिया गया।